गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि वैक्सीन के 5 लाख डोज बुधवार 13 जनवरी को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर पहुंच जाएंगे। यहां से 24 घंटे में जिलों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। टीकाकरण के लिए प्रदेश में 1149 केंद्र तय किए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री के जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों से सभी से विस्तार से और सारगर्भित चर्चा भी की गई। ये 3 फेज में इस टीकाकरण को रखा गया है। 3 ग्रुप भारत सरकार ने ही बना के दिए, हेल्थ केयर ग्रुप, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ऊपर या गंभीर किस्म के रोगी, ये 3 ग्रुप हैं। ये क्रम रहेगा इसका, प्रदेश कोई भी इसे क्रय नहीं करेगा। भारत सरकार के द्वारा निशुल्क में ये वैक्सीन पूरे यहाँ दी जा रही है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। हमारे पास में 4.2 खुराक, 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। वैक्सीन हमारे यहाँ कल सुबह आ जाएगी। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहाँ से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुँचा देंगे। 5 लाख डोज हमको अभी प्रारंभिक उसमें आ रही हैं। 4,80,000 के लगभग ये पूना वाली है और 20,000 दूसरी है। ये वैक्सीन सभी छोटे बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लगेगी। 1,149 पॉइंट इसके पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए निश्चित हुए हैं। प्रथम चरण में 5, दूसरे चरण में 4। पहले चरण में 5 दिन में पूरा होगा और दूसरे चरण में 4 दिन में ये पूरा हो जाए। विश्व का सबसे बड़ा